देखें जी कैसे जोर लग रहा है पंखे को ऊपर, बस पंखा टेढ़ा ना हो जाए, ये भी पंखा टेढ़ा कर दे। अच्छा देखें जी, मैं ना सब्जी निकाल रही थी और देखें कैसा टमाटर निकला है। हाँ जी वो तो अक्सर निकल आते हैं, देखें जी कैसा टमाटर निकला। ऊपर से ये स्पीकरों वालों ने ना जीना हराम किया हुआ है, कभी कोई बवा कटने आ जाता है, मैंने हिमा को सुलाया हुआ है और इनके स्पीकर लगा से ही शोर शराबा क्रिएट करते रहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है, म्यूजिक चलाया। आज हमारे सुबह से लाइट बंद है तो बड़ी मुश्किल से मैंने हिमा को सुलाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पता है अब तो शदीद गर्मी पड़ रही है, गर्मी सही मायने में यहाँ पे आ चुकी है। तबीयत मेरी अपनी भी ख़राब हुई हुई है तो खैर तबीयतें तो ऐसे ही रहती हैं, और अभी आंखें मेरी ना दर्द कर रही है कि मैंने प्याज काटा है तो आपको ज़रा पानी नहीं करा, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी फ़िलहाल भिंडी, और उसके मैंने मिर्चें देखे बीच में फ्राई कर ली है, और प्याज टमाटर मैंने इधर काट के रखा हुआ है, आटा मैंने अभी गूंध लिया है, और बस अभी गैस आ गई थी तो मैंने कहा जल्दी से ना हंडिया ऊपर रख लूँ कोई ना कहीं पड़ जाए आग। अभी खुदा ने आना है, हादिया आ चुकी है तो आज से ना थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, पहले मैं यहाँ से ना थोड़ा सा ये काम करूँ, लेकिन फिर से मैं वो बात कर रही थी कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जो है ना वो आप तक पहुँचती रहे और आप हमारी वीडियो से इंजॉय करते रहे। खैर अगर आप नहीं भी इंजॉय कर रहे यार तो हमें तो फ़ायदा पहुँचाए ना, प्लीज़ वीडियो को लगा के छोड़ दिया करें और खुद सो जाया करें अगर आपको नींद आती है, तो अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं काम कर दिया करें, लेकिन मोबाइल पर जो है ना चार्ज पर लगा था, यकीन ये ना हो कि आप मुझे कहें मैं तेरी वीडियो चला के तो उसे छोड़ दिया तो चार्जिंग हो गया, मेरी ऐसा ना करें आप, आप ना मेरी वीडियो लगा के छोड़ दें लेकिन और साथ में चार्जर भी लगा दें ताकि आपकी बैटरी मोबाइल की पूरी रहे। तो अभी मैं ना पहले भिंडी फ्राई कर लूँ, और देखिए मैंने सारा काम वगैरह किया हुआ है क्योंकि हमारे ना बिजली तो नहीं है लेकिन पानी था, जिस वजह से मैंने सारा काम कर लिया, और टाइम पर मैं फारिग भी हो गई थी, इसी टाइम पर मैं हंडिया भी बना रही हूँ, टाइम पर मैं फारिग हो जाऊँ ये भी काम करके, उसके बाद मैंने मशीन भी लगानी है क्योंकि उन्होंने इनके पापा के कपड़े इतने गंदे हैं ना, इतने गंदे हैं, मंडी में जाते हैं वहाँ पे आने से मट्टी के साथ खेल के आते हैं, और अब्बू के भी ऐसे ही है और इनके भी ऐसे ही हैं, तो मैंने वो मशीन में लगा धोने हैं, साथ में इनके भी यूनिफॉर्म धोने थे तो मैंने कहा चलो मशीन तो लगानी थी, अगर लाइट होती तो मैंने कब से लगा लेनी थी, अब लाइट नहीं है तो अब आएगी लाइट तो मैं फिर लगाऊँगी, साथ में इनके यूनिफॉर्म धोने से बैठ के पढ़ना भी है, स्टडी को भी टाइम देना है, तो अभी जो है ना फटाफट पहले मैं ये काम करूँ। अच्छा देखें जी, मैं ना सब्जी निकाल रही थी और देखें कैसा टमाटर निकला है। हाँ जी वो तो अक्सर निकल आते हैं, देखें जी कैसा टमाटर निकला है, और एक और ये तो ये देखें खुदा की कुदरत है, देखें क्या से क्या बना देती है, वाह माशाल्लाह, देखें जरा कछुआ लगा बस थोड़ी सी दुम होती ना तो सीधा कछुआ ही था। अभी मैं ना सब्जियाँ निकाल रही थी और देख रही थी क्या क्या लेकर, जो सब्ज़ी बच जाती है ना फिर वो घर ले आते हैं, जैसे दब आ जाती है टमाटर को ये भी घर आ गए हैं, ये लहसुन आया लेकिन ये तो सही है, और ये मिर्चें देख रही इनका क्या हाल हुआ हुआ है, ये वो सब्ज़ी है जो बच जाती है और फिर सेल नहीं होती फिर घर आ जाती है, और फिर हम जो है ना बस अब हम इतनी सब्ज़ियाँ ना एक वक्त में पका सकते, देखिए भिंडी भी आ गई है और भिंडी आई है उसके साथ में प्याज है, ये है जी खरबूजा,
मिर्चे, टमाटर, टमाटर ज़्यादातर आते हैं। टमाटर तो हमने बहुत ज़्यादा पहले से फ्रीज करके रखे। इसको तो सुंडी पड़ी हुई है, इसको तो सुंडी पड़ी हुई है, इतनी मोटी सुंडी। देखो तरबूज है, खरबूजा, इतनी मोटी सुंडी है। शिमला मिर्च देखो लाल हो गई है, और अच्छा आलू का भी कह रहे थे, आलू भी है एक जो रखते हैं, वो आलू वाला जो है ना साथ में, वो है शॉप पर। तो देखिए मेरा शिमला मिर्च भी आ गई है, पहले भी बड़ी है शिमला मिर्च, और अभी वो भी बनाए हैं, क्या करेले भी बना के रखे हुए हैं। देखिए अब सुबह क्या पकता है, सब्जी तो पहले से आ चुकी है घर में। देखिए अब सुबह क्या पकता है, मैं ये जो है ना छाती में निकालती हूँ, और इनको भी ना साइड टोकरी में डाल के रखती हूँ सारा सामान, मैं अब समेट लूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको आलू का भी सीन। ये देखिए जी मैंने अभी आलू खोले, और आलू के अंदर से क्या क्या निकला कैसी ये शक्ल है, चूहे जैसी शक्ल लग रही है, और क्या क्या निकलता है, खराब है। ऐसे आलूओं में ना एक आलू ऐसा है जिसके हार्ड बना हुआ है, हार्ड वाले आलू अक्सर देखे हैं, तो इनमें तो खैर कोई नहीं है, लगता है उनको गलत फहमी हुई है। देखिए जी मैंने कपड़े धो लिए हैं, थोड़े से रह गए थे मेरे, दरअसल ना मशीन हुई है ख़राब, ये खुद ही ना पानी निकाल देती है, और इधर ये दोनों लड़के वाइपर लगा रही हैं, दोनों कहते हैं मैंने वाइपर लगाना है, वो कहते हैं मैंने वाइपर लगाना है, अब दोनों लगी हुई हैं वाइपर लगाने, और ये खुश हो रही है टेंडू, टेंडू देखिए कैसे खुश हो रहे खाना खुना खा लिया सबने, बच्चों और इनके पापा आए हुए थे छोड़ के उसके चले गए, लेकिन केबल वाले को मैं कल से फ़ोन कर रही हूँ, और अभी तक वो केबल लगाने के लिए नहीं आया, और वो पैसे हमने कब के दे दिए हुए हैं, और केबल वाला अभी तक केबल ही लगा के नहीं गया, तो अभी देखें क्या सीन है, क्योंकि टीवी दोनों ने कल लगा दिए थे, फिट कर दिए थे, लेकिन केबल नहीं अभी फिट किया, यहाँ पर पंखा भी अभी नहीं लगा, पता नहीं कब लगेगा, कौन सी रेट में लगेगा कोई पता नहीं है। खैर अभी यहाँ पे तो हो रहा है काम, क्योंकि अभी मैं मशीन लगा के फारिग हो चुकी हूँ, ड्राई हो चुके हैं। ओह देखो सही कैसे पटाखा पड़ा है, कैसे लगी है, कैसी कैसी पकड़ी गई कैमरे में पकड़ी गई। आप लोगों को कितनी दफ़ा यहाँ पे मना कर दिया, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आती, तो फिर चोट लगवा के बाज आओ। एक दफ़ा मना किया जाता है, दो दफ़ा मना किया जाता है, बार बार तो बच्चे तो है ना बात नहीं समझते, वो समझते हैं पता नहीं हमें अच्छी चीज़ से मना कर रहे हैं, हमें अच्छी का अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक चोट नहीं लगती ये आवाज़ नहीं आते। कहीं चोट तो नहीं लगी, हाँ बच गई हो, आपको नहीं पता फर्श स्लिप होता है, आप क्यों भाग रही हो इसके ऊपर हैं, अगर बुरी तरह से चोट लग जाती तो हड्डी वड्डी टूट जाती तो स्लिप नहीं हुई, आप भागी थी। हाँ जी वाइपर के ऊपर खड़ा हुआ गया है। ओह माय गॉड क्या कहें बच्चों को, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो फिर देखिए ये मेरा लास्ट चक्कर है, मैं अब ये कपड़े जो है ना डालूंगी मशीन में, सच में बाजू मेरे रह जाते हैं कपड़ों को ब्रश मार मार के, इनके कपड़े अब बहुत गंदे होते हैं, अबू के भी और इनके पापा के भी कपड़े बहुत गंदे होते हैं, पता नहीं जिसका पॉइंट पे कपड़ों के साथ बर्तन तो साफ करते हैं, खुदा फिर से वही काम कर रही हो आप, अगर आप स्लिप हुई ना तो मैंने फिर आपकी पिटाई करनी है, मैंने आपको फिर डॉक्टर के पास नहीं लग जाना अगर चोट कोई लग गई तो, अब एक दफ़ा गिर गई हो बार दोबारा फिर से गिरना है। जी केबल तो लग गई है, लेकिन मैंने ना वो जो है ना हुक्के वगैरह नहीं लगाए, और बाहर जो है वो पंखा भी चल रहा है, लग रहा है देखें किस तरह से पंखा लग रहा है, सीढ़ी के साथ में भी चल रहा है, उनके साथ बाजू रह गए इतना जोर लगाया है, अब भी साथ खड़े हैं। हाँ जी पंखा लगा रहे हैं, पंखा आज फाइनली सारे काम हो चुके हैं, लास्ट पंखा रह गया था, और टीवी रह गया था, तो टीवी लग गया, और देखिए केबल भी लग गया, टीवी तो खैर लगा हुआ था, केबल भी आज लग गया, बस ये बता रहे हैं इनको क्या वगैरह लगाए,
वो जो क्या कहते हैं इनको छोटे छोटे जो बच्चे हैं लगाते रखे हुए लेकिन वो ना लगा के नहीं गया केबल वाला कह रहा है जब खुद ही लगा ले। देखिए जी कैसे जोड़ लग रहा है पंखे को ऊपर, बस पंखा टेढ़ा ना हो जाए। ये भी पंखा टेढ़ा कर दे आगे एक पंखा टेढ़ा ही था। फाइनली पंखा लग गया यहाँ पे। ये मॉडम भी अभी लटकाना है। ये देखें यहाँ पे बेचारा ये यहाँ पे लटक रहा है मॉडम। सीढ़ी आई है, देखते हैं इसको तो कुछ करते हैं। बच्चे बच्चों की कैसे लाल लग गई है, चीज बांट रहे हैं बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं सारे के सारे। ये फाइनली मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और हिबा सो गई है और ये दोनों भी बैठ गई हैं। अरे पेंसिल आपने बैग में नहीं डाली अभी तक, मैं बैग में डालू पेंसिल? शाबाश। इनको जो है वो कार्टून लगा के दे दिए हैं, इनका टीवी चल गया है। बट ये दोनों रिलैक्स होकर बैठ गई हैं और मुझे थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा क्योंकि मैं अभी इनके साथ चीखू पुकारूँगी नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी स्टडी टाइम है और फिर उसके बाद मगरिब हो जानी है। मगरिब के बाद साथ में 7 बज जाते हैं, रोटियाँ बनानी है, फिर रोटियाँ बनाओ, बच्चों को सुलाओ, तो उस वक्त बहुत टफ होती है रूटीन। तो इस भी जो है ना मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ क्योंकि टाइम अभी भी 6:15 हो चुके हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने भी 7 बजे तक बंद भी करना है और शुरू 6:15 कर रही हूँ। खैर इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।